बहुत शुक्राना गुरु पातशाह जी का, इन्ने प्यारे गुरु साहब जी ने विचार बख्शी ते विचार बख्शन दे नाल नाल ज्यों ज्यों गुरु पातशाह जी तुसी बाणी विचार करा रहे सी त्यों त्यों गुरु पातशाह जी ने एक्सपीरियंस भी कराया, क्योंकि गुरु पातशाह जी ने अमृत वेले तो सुरती लगवा के रखा होया सी। ते जिवें कथा शुरू हुई उदो भी गुरु पातशाह जी ने सुरती लगवाई सी वाहिगुरु, जिवें कुछ दिन पहला गुरु पातशाह जी ने बहुत प्यारी बख्शिश की सी कि गुरु पातशाह जी ने अरदास की सी सुरती लाउण तों पहला कि वाहिगुरु कि अंदर निज घर हुंदा आ ते निज घर विच किद्दां जाईदा आ। ते गुरु पातशाह जी ने बहुत प्यारा एक्सपीरियंस कराया कि गुरु साहब जी आप अंदर लैके गए, ते जिवें ओह वाहिगुरु मतलब कि ओह जगह ही होर सी जिथे गुरु पातशाह जी लैके गए, ते इन्ना भी गुरु पातशाह जी ने दिखाया कि जिन्ना असीं अंदर जा रहे हैं अगे दे रस्ते ते सिर्फ वाहिगुरु चल रहा है, वाहिगुरु दे नाम तो सिवा उत्थे होर कुछ भी नहीं आ। ते गुरु नानक पातशाह जी आप हाथ फड़ के लैके गए, ते मेरी रूह जेड़ी ही वह बहुत छोटी सीगी, ते गुरु नानक पातशाह जी पूरे स्वरूप विच हाथ फड़ के अगे लैके जा रहे सी। ते जेड़े रस्ते तो गुरु पातशाह जी लैके जा रहे सी, ओह रस्ता पूरा गोल्डन प्रकाश विच सीगा, ते ओ जिथे मैं पैर रख रही सी ना वाहिगुरु ओ जगह ही होर सी कि बयान नहीं कीती जा सकती। उस तो बाद की होया वाहिगुरु कि कुछ दिन बाद मेरी सुरती नहीं लगी, ते मैं गुरु पातशाह जी नूं बहुत अरदासां कीतियां कि वाहिगुरु ये बिछोड़ा नहीं बर्दाश्त हुंदा, तुसी इन्नी कृपा कीती है, इन्ना कोल होके दिखाया सी, ते हुण वाहिगुरु की भुल हो गई सी मैनूं कि तुसी हुण बख्शिश नहीं करदे। फिर गुरु पातशाह जी ने अज फिर इन्नी बख्शिश कीती कि जिद्दां जिद्दां गुरु पातशाह जी कथा करवा रहे सी, गुरु पातशाह जी ने जिवें कि हुण घर विच आं गुरुद्वारे भी अजे नहीं जा पा रही हां, ते अंदरों एक चाल सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत दिन हो गए तुहाडे दर्शन भी नहीं होए, ते अज गुरु पातशाह जी ने कृपा कीती सुरती दे विच अपना अपने दर्शन करवाए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, ते जिवें ही उन्हां दा प्रकाश होण वाला सीगा ते घर विच किसी ने आवाज ला दित्ती ते मेरी सुरती खुल गई, ते लेकिन फिर भी मैं उठी नहीं क्योंकि एक अंदरों चाव सीगा कि गुरु पातशाह जी दे दर्शन हुए मैनूं। ते उस तो बाद की होया कि फिर गुरु पातशाह जी ने सुरती लगवा दिती, लेकिन अंदरों कितना कितना मन इदां डोल गया सी कि ओ गुरु पातशाह जी दा जिहड़ा स्वरूप सीगा ओह जिवें हजे एक बच्ची अमृत नाम है उस बच्ची दा ओह प्रकाश कर रही सीगी, ते गुरु पातशाह जी मैनूं प्रकाश हुंदिआं भी दर्शन दे दो। ते गुरु पातशाह जी ने फिर मेरी सुरती लगवाई, जितने ही गुरु पातशाह जी ने तुहाडी रसना तो बोल कढवाए कि माया बलवान हुंदी आ, कि जब जितने ही आपां गुरु पातशाह जी दे नेड़े पहुंचदे आ ना, ते माया किते ना किते सानू उस चीज़ तो पिछे खिंचदी आ कि असीं ना पहुंच पाईए उत्थे तक। ते इवें ही होया है कि ओह मैनूं प्रकाश गुरु साहिब जी ने दिखाउणा सीगा, ते उत्तरों ही घरों किसी ने आवाज मार दित्ती वाहिगुरु, लेकिन जदों तुसीं आखिया कि माया गुरु साहिब जी तो बलवान नहीं हुंदी, गुरु पातशाह जी बलवान हुंदे आ, कि गुरु साहिब तो वड्डी नहीं हुंदी माया, ते फिर अंदरों एक फिर दृढ़ जिहा आ गया। ते गुरु पातशाह जी ने फिर अंदर लै गए सुरती लगवाई, ते गुरु पातशाह जी ने प्रकाश हुंदिआं भी दर्शन करवाए। फिर मैं गुरु पातशाह जी नूं बेनती कीती, मैं वाहिगुरु मैनूं हुक्मनामा भी बख्श दो, ते गुरु पातशाह जी ने कृपा कीती, ते गुरु पातशाह जी ने आख्या कि चाको हर रंग लागो इस युग में। ते बहुत शुकराना है वाहिगुरु गुरु पातशाह जी दा, इन्नी प्यारी बख्शिश गुरु पातशाह जी ने कीती, ते गुरु पातशाह जी बस हुण सुरती लगवाउंदे रहो, कृपा करो वाहिगुरु मैनूं कृपा करो कि मैं कदे डोला ना, ता कोई भुल चुक भी ना होवे वाहिगुरु, इस सुरती नूं मैं सांभ के रखा हां जी, कृपा करो, ते सारी संगत ते बख्शिश करो, कोई भी संगत निगेटिव ना होवे वाहिगुरु, सारिआं नूं सिमरन दे रस्ते ते तोर के रखियो।